ठीक ठीक हाँ बोलो क्या कह रहा चाहते हो, कैसा लग रहा है? मजा आ गया भैया। नहीं नहीं भाई लोग से मिले कोई दिक्कत तो नहीं? ये ठाकुर साहब से मिले बहुत हेल्थ कॉन्शियस है। ये है क्या नाम है मेरा भाई डॉक्टर साहब, आज कंफर्टेबल तरीके फील हो रहा है। सैकुल हसन रिजवी साहब क्या नाम है डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब बोल सकते हैं क्योंकि ये अभी यूपी में है तो दिक्कत हो जाएगी, नाम इनका नहीं बोलेंगे। सेगुल भाई कैसा लग रहा है? मस्त। अच्छा लग रहा है। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं और आधा रास्ता कंप्लीट हो चुका है और भाई साहब एक अंदर हैं, थोड़ा इनसे मिलाते हैं आपको। चश्मा वश्मा लगा के स्टोरी पे स्टोरी, कैसा लग रहा है आपको इस ट्रिप पे? आर यू एंजॉयिंग? ओ माय गॉड यू आर फुल ऑन। साइड में हल्का लगाओ, स्लो करके खुद ही निकलेंगे, तो पीछे उनके लगा लो सही रहेगा। आराम से खा पी के आराम से निकला जाए और शाम तक रात तक हम लोग आराम से नैनीताल पहुंच जाएंगे। गाड़ी तो स्लो चली, फॉग की वजह से ना उड़ते ना चल दिया। हैप्पी न्यू ईयर गाइस, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर भाई। सकुल भाई नहीं आया घर में, खूब खुश सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। हम लोग आए हैं अभी, हम लोग इस समय हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर। उधम सिंह को तो आप जानते ही होंगे, और उसके उधम सिंह के जेम्स बॉन्ड टाउन जिन्होंने किताब में काट के गन रख के सतारगंज क्या उसका नाम भूल गए यार, क्या नाम था, अरे जिसने जलिया वाला बाग कांड करा, जनरल डायर। जनरल डायर, अरे हालत खराब, उधम सिंह इज मैन। सेकुल वीडियो बना दे भाई, गाना लेकिन अच्छा लगा होता। ऊपर लेंगे फिर आ जाएंगे तुरंत बुलाने। अरे सानू रही गए, चलो कोई बात नहीं, हम तीन लोग में से कोई रही जाए तो यहाँ कोई आने ना आया। Take the second right at Naram and Chowk onto National Highway 109. 35 किलोमीटर नैनीताल है यार, ट्रैफिक जाम है, थोड़ा सा थोड़ा दो तीन किलोमीटर का जाम है, उसके बाद हम लोग पहाड़ों के बाद फिर मौज है मौज। इस एरिया में आंखों को बहुत ठंडक मिलती है, मस्त आंखों की ठंडक मतलब समझे। हम लोग नैनीताल पहुंच चुके हैं, आइए आपको मिलाते हैं अपने कलीग से। सर कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत मस्त, मजा आ रही, क्या एनवायरनमेंट। एक मिनट इनकी जरा, चीड़ चीड़ के पेड़ है ये, देखिए चीड़ कितना हैवी पेड़ है, देखो कितना हैवी। सेकुल सुन रियली हेलो, इट्स टू इमेजिन सो कॉल्ड एंड माय फ्रेंड सेकुल आलम, मेरा नाम सत्यम है। तो गाइस चलो ट्रिप, अंधेरा होने से पहले नैनीताल चलो पहुंच रहे हैं, नहीं ऐसी रोड पे। हाय नैनीताल, अबे सेकुल सूखे पेड़, तुम सूखे पेड़ की बात करो, सूखे पेड़ है तो पत्ते का धर्म नहीं चलता, तो हो होते नहीं होती। हाँ खींच गई मोड़ तो दोनों भाई, चुम्मी ले ली चला जी। मैंने रोया मुझे अब भाई ये सत्तो ताल वो
भाई हम YouTube पे डालेंगे, तुम हमको बताओ। आप ये बताइए आपका इसका इसका चार्ज कितना है? 300 पर पर्सन रहता है, 300 पर पर्सन। अगर हम चार लोग करेंगे क्या रुपए लोगे आप? चार लोग करेंगे तो सर वैसे रेट तो सेम रहेगा भाई, ये थोड़ा छोटा नहीं है? अगर सर इस पे आपको पहले यहाँ से कॉर्नर तक का स्लाइड करवाएंगे। ये भाई ये गहरा कितना है? ये 90 फीट रहेगा भाई। 90 फीट में तो हम सब समा जाएंगे। हमें तैरना आता नहीं भाई, ये रस्सी कौन सी है भाई? ये भैया नाइलॉन और वो। इसका कम से कम 200 किलो का तो 24 क्विंटल झेल लेगी भाई। कितना टाइट है। चलो तुम जाओ सत्यम भाई, तुम ही जाओ पहले। तो यार हमें तो वो सेल्फी की होनी चाहिए तभी मजा आता। अरे मोबाइल सोबाइल गिर जाएगा इसी के अंदर। उतार के जाना पड़ेगा इधर पे। अच्छा वॉलेट भी तो भाई वहाँ से वीडियो लेते मजा आ रही। वीडियो नीचे चले जाइए आप, नीचे से भी हम सब ले लेंगे। तुम पहले चलो तो अच्छी वीडियो वाली चाहिए। यहाँ से जाते समय एक थंब इस पे डालना है, एक थंब इसके नीचे आ गए, थंब डालना खाली वैसे। ठीक, अब बैलेंस हो जाओ पूरा, नीचे इस पे झूल जाओ। हाँ हाँ, अरे ये पूरा नहीं बना है, वो ऐसे ही रहता है। टाइम नहीं रहा भाई, ये वो सीट का चेयर, सीट का सीट देगा। हाँ ये बस मतलब चूतड़ों में लगे। ठीक है, अभी तो पूरा वेट झेल लो, वेट डाल लो इससे, लटक जाओ। हाँ, और अगर बीच में रुक गए तो कैसे रुकोगे? अगर रुक गए तो पीछे रखो, मैं अभी आता हूँ तुम्हारे पीछे। मैं वो टाइम ज्यादा ना देना। सबसे ज्यादा मजा वो झूला झूलने में था, लेकिन इसको नीचे डुबकी मरवाना तब निकलवाना। मैं वो ज्यादा टाइम मत देना वहाँ पे, झूला वूला मत झूलाना। नहीं झूला अरे नहीं आ रहे वो। चलो गाइस, हम लोग हैं नैनीताल के सातवें ताल पे। आ ये व्यू है। आ भाई हाय, हाउ आर यू फीलिंग ब्रो? बेस्ट ऑफ बेस्ट। यहां से हिल जाता है कैमरा तुम्हारे हाथ का कंपन। ना ना हमारे तुम्हारे व्यू चक्कर में हमारे लो देख अपने लगे एक मेरा इससे इससे अब मैगी अच्छी बन गई। हाँ तो वैसे खिलखिलाते रहा करो, हगा से पता सके मुंह बनाते हो। कैसे बोला था? इनका बस इनका। हाँ तो कैसा लग रहा है आपको? मजा आ रही। जो सर्विस हम लोग को नहीं मिल पाई उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों को ये रूम बहुत बढ़िया है। हाँ। और कौन सी सर्विस इंटरनेशनली बदनाम करना चाहते हो? चाबी लगाओ अखिल के नाम से। कबो आई नहीं रहो था करो आया करो। जान लोगी क्या? जान लोगी क्या? बातें ऐसे ना बताया करो। जान लोगी क्या? वाह। जुल्फे ऐसे ना गिराया करो। वाह वाह। जुल्फे ऐसे ना गिराया करो। जान लोगी क्या? और तुम तो कहती थी कि नजरों में तो सिर्फ हम ही हम रहते हैं। वाह उस पाई है टियर्स। अरे वो वर्ड है सुबह सुबह लो। वाह वाह करो। वाह वाह सुबह सुबह लो। बिल्कुल वाह वाह करो। सुबह सुबह लो हरि का नाम हरि है। सुबह सुबह लो वाह वाह। पेट सुबह सुबह लो करो यार। सुबह सुबह लो सुबह सुबह वाह करो। पर्दा पर्दा पूरे जिस्म पे रखो। पर्दा पूरे जिस्म पे रखो। वाह पर्दा पूरे तेरा ये संसार सारा। गाइस गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू फीलिंग इन मसूरी? गाइस मसूरी इज वेरी ऑसम एंड द टेंपरेचर इन माइनस डिग्री। मसूरी में कैसा लग रहा है दोस्तों? माइनस एकदम माइनस। मेरा तो ओके लाइक अ टिकट नगर। इट्स जस्ट ओके लाइक अ टिकट नगर। ये इंग्लिश भी बोलता है। या काइंड ऑफ ये गौर रहे दोनों बना लो। अरे बोल लो। सो गाइस हाउ इज द टी? हाउ इज द जोस? हाय सर। How's the Joss? Hi, sir. Very nice. अरे जोस से निकल लो भाई। एक फोटो खींच ले यार।
गाड़ी खुली है डिक्की खुली है चलो 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 मंदिर चलोगे तो कहाँ खाने का तो भाई हम लोग फिर उस तरफ चलना पड़ेगा। ये सब जो है पंडित जी सब 50 रुपए थाली देंगे अभी, रुको चलते हैं सामने देखो इतने बने हैं। अब तुम तो उनसे पूछ के अब उधर जाओ खाने। सो गाइस ये देखिए पूरी वादियों का नजारा और हम लोग अभी 100 रुपए वाला होटल ढूंढ रहे हैं दोस्तों। आप भी जब आए तो वहीं पे खाएं। बड़ा बाजार की तरफ बढ़ते हुए दोस्तों और हमारे भाई साहब के यहाँ पे बहुत सारे कलीग्स हैं और कैसा लगता है ये बताते हैं। मिल गया सेकुल, तुम्हारा आइटम भी मिल गया है। कितना रुपए किलो है सर? 500 रुपए किलो। हाँ भाई डिस्काउंट में मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। ये भी अच्छी लग रही है, ये पूरी सॉफी एंटीक है भाई, इन्होंने एंटीक सॉफी खोली तो रखा रहेगा भाई। हाँ भाई अब हम लोग यहाँ देखते हैं। देखो लो तुम कितने छोटे हो यार, तो रहा है तो कूदो ना। अच्छा ऊपर चढ़ा हुई देखते कोतवाली मल्लीताल बोट नहीं है कोई नहीं है भैया, ऊपर जाओ तो एक घंटा बाद ही जाएगा। हाँ पे ले ले ले, यहाँ का तो व्यू अलग ही है। हाँ अलग ही आ रहा तो बे सब हम लोग नीचे ला आना ही मुझे, वीडियो बना रहे हैं बाद में निकाल लेंगे फोटो लो अपना यहाँ फोटो में नैनीताल बाकी सब तलैया। देखें अबे भालू एक पीछे से ये दोनों आना चाहिए। अबे ये तुम हाथी राम मारो। हम दिया ये खुला आसमां आ गए हम कहां। ओम नमस्ते मेरा नाम सत्यम मथुराज। भाई मैं यहाँ एक कविता सुनाऊं मारो गाइस कुछ कहना चाहते हो आप गाइस? हम लोग नैनीताल में आए आगे, आ रही आगे तो कुछ नहीं हुआ पीछे कोई ना मजा आ रही। ये मुर्गे लोग हैं पीछे एक मिनट लगेगा थोड़ा साइड है शीशे सामने का यार एकदम उधर चलो। तो गाइस हम लोग आ गए हैं कहाँ आ गए हम लोग नैनीताल तो आ गए। नैनीताल में झील है हम लोग नाव चला रहे हैं। ये पंडित झूठ बता रहा था कह रहा था सत्ता का लगता था लेकिन ये बहुत अलग है उस वो ये भी तो कह रहा था दोस्तों तालों में नैनीताल। भाई ऐसे सेल्फी लेते हुए हम खींच रहे की ले ले सेल्फी भूतनिंग मेरी भी ले खड़े ना हो खड़ा करो कोई खड़ा होकर फोटो नहीं खिंचाता ऐसे बहुत फनी लगता है तुम करवाते हो तो इस पे अच्छा भी लगेगा। पीछे का वो आ रहा है तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया। अच्छा मैं आपको बताना चाहता हूँ ताल घुमा है मैगी वैगी खाई मौज करी खाना वाना भी खा लिया और ड्रिंक भी तो की नैनीताल में आ रहा बिकॉज़ ऑफ माल रोड और बहुत जस्ट बिकॉज़ ऑफ मार्केटिंग अब बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ।
एंड वी आर कुछ कह रहा है भाई साहब बताइए इरशाद ये तो हमारा लक है थोड़ा सा प्रशासन का भी अच्छा सपोर्ट है कि हम आ गए नैनीताल हम लोग पुलिस हमारा जो ड्राइवर था वो बता रहा था कि भीमताल और सत्ता ताल सब एक ही जैसा लौटा ये जा रहा सही कहा आपने और वो खैर हम आ गए और बहुत भाई एक गजल सुनाना सुनाओ सुनाओ मसाला खा लेते भारत का बड़े करीने से हिसाब लेती वाह मेरे हर एक वक्त का बड़े करीने से जवाब लेती हो हाँ सवाल करती हो दो मिनट की भी नहीं है एक मिनट भाई यार तुम काहे तो उसके में तुम्हें देखने लगेंगे सब तो भाई तो ये कौन लोग हैं चलो रेडी हाँ भाई एक मिनट मत बोलना कुछ भी और ना फोन छूना हाँ भाई मेरे हर एक वक्त का बड़े करीने से हिसाब लेती हो ओके मैं चल के राख हो जाता हूँ जो किसी और से किताब लेती वाह मेरे हर एक वक्त का बड़े करीने से हिसाब लेती हो और माँ का एक नंबर भाई क्या लग रहे हो लालू भाई दोस्ती कैसे अमर उजाला एक फोटो और दोस्ती भाई लालू भाई हाँ भाई एक नंबर फोटो खींची नहीं हाँ सत्यम भाई कैसा लगा खाना एक नंबर खाना था बढ़िया था ना सर्विस अच्छी बढ़िया बटर हांडी कढ़ाई और पनीर एक नंबर मस्त भाई टेस्ट बहुत जबरदस्त था हां भाई भाई आओ तो चले कैसे भाई ऑसम ओके गाइस मुझसे फिर से पूछ लो फिर से नहीं यार तुम फिर से करेंगे तो तुम बढ़ा के बताओगे मुंडो ले लो फिर हम लोग हां भाई क्योंकि आगरा में बनी और अभी हम लोग बालूगंज में हैं भाई जी बालूगंज है बालूगंज है ये वेरी एक्साइटेड टू सी ताज टिकट 10 रुपीज पर ऑटो अबे 100 रुपए का टिकट है 10 रुपीज का ऑटो इसको फैट बोलते हैं भाई ताजमहल का टिकट कितना है 250 में क्या होता है नीचे है, नीचे नीचे जाते हैं सो गाइस मैं इन देहातियों को आज ताजमहल दिखाऊंगा तो देहातियों को ऐसा लग रहा है यहाँ आके स्पेशल गाइड मिला होगा फतेहपुर बेगम मस्जिद यार गाइस हम लोग ताजमहल में हैं जिसका इतिहास सिर्फ मुझे पता है मेरे हिसाब से कोई गांव है ये हाँ यहाँ मंगोलियापुर है ये भाई यहाँ से है ताजमहल पकड़ो सब साले हराम पुराने दो लगता है एक बार देखो तो आंखें हैं ठंडी हो तुम कभी लाल किला विलाल देखे दिखाओ नहीं तब भैया चल रहे थोड़ा हमें आखिर तक सिग्नल हमारा एलियन दोस्त बहुत स्पेशल दोस्त है इका ताज बनवा के देना एक तो 5 रुपए का बाहर मिलता है इका बड़ा पसंद है फॉरेनर बम्बई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो फॉरेनर ढूंढ रहा है ये ताजमहल नहीं फॉरेनर देखने आया है लेट्स गो ऊपर पहले ही लड़ाई हारे जा रहे हो हमको तो कब्जा करना है उधर से बंद है क्या इधर से
आओ उधर से, उधर से। ये मेरे दोस्त ताजमहल और यहाँ हमारी पार्टी हो रही है। जो मेरा वीडियो बनाएगा उसकी सबसे ज्यादा फुटेज रखूंगा। इसकी रख लो बेचारे के। ये हम ये हमारे बस दोस्त चल रहा हूँ तुम वीडियो बना रही है। अब फिर ये भी काम ना दे दो। अरे तो ये काम बहुत महंगा होता है, इसकी सैलरी बता दूं मैं। बहुत इंटरव्यू करो, पहले इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। जैसे आदमी तुम अच्छे हो। ये जो पत्थर है आर्कियोलॉजिकल, हम लोग घर में जाली बनवाते हैं, 20 रुपए वाली स्टील की लाते हैं, देखिए। और शाहजहां ने कैसी जाली बनवाई है, एकदम फ्लेवरफुल, देखिए इतनी मोटी जाली। तो ये रहा हमारा ताजमहल। हाँ, और हम लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जिसका हमसे 200 रुपए लिया गया है प्रति व्यक्ति। ताजमहल अभी कुछ समय से विवादों में भी है। इसको कुछ बड़े हिस्ट्रीनियन मतलब इतिहासकार तेजू महाले का नाम दे रहे हैं, जो कि एकदम झूठ है। लेकिन क्या करें, राजनीति भी एक चीज होती है, पॉलिटिक्स बहुत जरूरी है। पॉलिटिक्स नहीं होगी तो देश बर्बाद कैसे होगा। तो साथियों, राजनीति का शिकार इस समय ताजमहल है। कुछ समय से जैसे शाहजहां ने मजदूरों के हाथ काटे थे, वैसे आज के समय में इतिहास काटा जा रहा है। तो ये ताजमहल का व्यू आप सबने देखा। अब हम लोग एंटर कर रहे हैं ताजमहल में। और हमारे पास दो मुर्गन है। चढ़ रहे हैं भाई। हाँ भाई लगा रहे। क्या ये वो जो ना जूते पहनते भैया, कवर लगाइए। हाँ, हम लोग जूते पे कवर पहनेंगे। हालांकि जूता खुद कवर होता है, उसके नीचे एक और कवर होता है। ये बालूराज पंडित है, बड़े यूट्यूबर अपने आप को समझते हैं, पर बोलते ऐसे ही। मैं तो ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ। मुमताज जी को दे दो, दिल ना दो, ये गलत भाई। सच बताए, एक नंबर, एक नंबर। सुनो, एक हाथ उधर, एक हाथ इधर, अक्षय कुमार की तरह बीच में लटका दो। यहां से भी यहां मस्त। खड़े हो जाओ। अब चलो वहां। सही बोला तुमने, अब तुम कम से कम माना तो। In 600 meters, take the exit toward Agra Lucknow Expressway. एक मोड़ आया और उठा दिल। भाई इस एक्सप्रेस वे में पैदल नहीं चल सकता भाई, चलते रहो बस, कुछ मिलेगा नहीं। Take the exit toward Agra Lucknow Expressway. Continue for 301 kilometers. कितना हो गया? 104 ही हुआ, 40 रहा है वहाँ से, केवल 40। सिकड़िया तू हल्द्वानी रखे रहा हूँ, सिकड़ी सिकड़ी में ये भी नहीं बता पा रहे हो। कहाँ चल रहे हो भैया? हम तो चल रहे हैं लखनऊ, और बीच में पड़ेगा अभी रेस्ट रूम, वहीं रुकेंगे और डीजल भराएंगे अभी थोड़ी देर बाद। ये एक्सप्रेस वे है आगरा। अरे लोग कितने मासूम होते हैं ना, गांव के लोग। उसने कहते हैं कि रोड पे रखो गिलास, नहीं रही है, मान भी लिए। एक संज्ञा दी जाती है कि जंपिंग है, सब कुछ है,
एक संज्ञा दी। लालू बोलते थे कि रोडे ऐसे बना देंगे जैसे हेमा मालिनी के गाल तो का हेमा मालिनी का लगा देंगे, उसकी चमड़ी उतार के रख देंगे। कैसे कैसे लोग पास हो बेचारे। हमारी ट्रिप का 70% कंप्लीट हो चुका है। हाउ आर यू फीलिंग विश्वा? 10% और मेरी फीलिंग बहुत बेटर है। अब बस मजा आ गई। हम लोग आगरा एक्सप्रेसवे से उतर चुके हैं थोड़ा खाना खाने के लिए, और हम लोग अभी पास में हैं मुलायम सिंह, कौन सी जगह है, इटावा। इटावा इटावा में हम लोग अभी खाने में सैलड बहुत सेक्सी लग रहा है, इतना सैलड दिया इसने, पैसा तो नहीं लगेगा इसका। निकालो सब ना करना। टेक योर फूड, आई एम डन।